चलिए आगे बढ़ते बात एसवाईएल की करते हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर से पंजाब की सियासत गर्माती दिख रही है। पंजाब के कृषि मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पानी पर सिर्फ पंजाब का हक है, हरियाणा और राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा है। पानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब लुधियाना में कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में स्थानीय विधायकों, जिला जथेदारों व एसजीपीसी सदस्यों ने एसवाईएल नहर का निर्माण किसी भी हाल में ना होने की बात कही है। एसवाईएल के विरोध में अकाली नेताओं द्वारा रोष जाहिर किया गया और कहा गया कि पंजाब की खेती नहरी पानी पर निर्भर है और एसवाईएल बनने की सूरत में पंजाब की किसानी बर्बाद हो जाएगी। इसी को लेकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया। अकाली नेताओं ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण रोकने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज भी कितनी भी कुर्बानी देनी पवे वो कुर्बानी थोड़ी है। असि पंजाब का पानी एक भी बूंद ना हरियाणे नू ना राजस्थान नू, क्योंकि साडा हक बनता है। ये जो दरिया ने साडे पंजाब दे विच चलदे ने, पंजाब का पानी बाहर नहीं जान देवांगे। जी साहब नू मैं मैनू ने रूज दिते ने कि पंजाब दा दरियावां दा एक पानी दी एक बूंद भी पंजाब तों बाहर नहीं जान देंगे। पानी का मसला लंबे वक्त से प्रदेश की राजनीति पर भारी रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां संघर्ष ऐलान कर खुद को किसानों का रहनुमा साबित करने में जुटी हुई हैं। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना।